राम राम, महाराज जी के चरणों में प्रणाम। एक दिन कन्हैया का सुंदर सा श्रृंगार करके मैया ने उन्हें नजर का काला टीका लगाया और देखा कि मेरे सांवले सलोने की आंखें कितनी प्यारी है, मुस्कान कितनी कोमल है और छोटे छोटे अंगुलियों से जो वो इशारे करता है, अटखेलियां करता है, पाँव से झुन 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 आवाज़ जो आती है पायल की, वो कितनी मधुर है। मैया तो कन्हैया को देखती ही रह जाती और भूल ही जाती कि कान्हा को दूध पिलाना है। जब कन्हैया रोने लगते, मैया का आंचल खींचने लगते, तो मैया को याद आती, अरे मेरा लाला तो भूखा है। और एक दिन ऐसा ही हुआ, मैया ने कृष्णा को श्रृंगार धारण कराया और फिर जब लाला रोने लगा तो उन्हें दूध पिलाकर सुला दिया। अब मैया ने सोचा, मुझे तो बहुत काम है और आंगन में थोड़ी धूप भी है, तो ऐसा करती हूँ, छकड़े के नीचे बहुत अच्छी छाया हो रही है तो वहाँ पे गद्दी बिछा के लाला को सुला देती हूँ। और मैया ने वहाँ पे सुला दिया और आसपास जो कुछ काम कर रहे थे सेवक सेविकाएं, उनसे कहा कि तुम लाला का ध्यान रखना। और मैया तो अंदर चली गई। अब कान्हा तो मस्त मस्ती से सो रहे थे। इतने में ही वहाँ पे शक्तासुर नाम का एक राक्षस आया। वो तो कंस का भेजा हुआ राक्षस था जो अपने कान्हा को मारने के लिए आया था। अब शक्तासुर ऐसा राक्षस था जिसकी बॉडी किसी को दिखती नहीं थी क्योंकि वो इनविजिबल था, और इसी का फायदा उसने उठाया और वो छकड़े के ऊपर जाकर बैठ गया। अब छकड़े पे तो खूब सारा सामान रखा था, बड़े बड़े घड़े भरकर माखन, छाछ, भिलोने का दही, दूध, सब कुछ भर भर कर छकड़े के ऊपर रखा था क्योंकि वो छकड़ा दूसरे गांव जाने वाला था, इसलिए उसमें सारा सामान भरा हुआ था। और उसी सामान के बीच में शक्तासुर आकर बैठ गया। अब शक्तासुर ने सोचा कि मैं अपना वजन इतना बढ़ा लेता हूँ कि ये छकड़ा टूट जाएगा और कान्हा के ऊपर गिर जाएगा, और जब इतने नन्हे से बालक पर इतना बड़ा छकड़ा गिरेगा तो वो बालक तो डेफिनेटली मर जाएगा। अब जैसे ही उसने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया, अपने लाला को तो नींद जग गई और तुरंत उन्होंने क्या किया पता है, धीरे से अपने पैरों से साइकिलिंग करना स्टार्ट किया और जैसे ही हल्का सा अपने पांव से लात मारी उस छकड़े पे, तो छकड़ा तो चकना चूर हो गया और आकाश में जाकर बिखर कर टूट कर गिर पड़ा और उस छकड़े के पूरे सामान तितर बितर हो गए, सब आकाश में उछल गए। और उन्हीं सामानों के बीच में शक्तासुर को तो ऐसी चोट लगी कि वो धड़ाम से ऊपर उछला और धड़ाम से नीचे गिरा, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो गई। अब ये बात तो किसी को पता नहीं चली, ये तो सिर्फ कन्हैया को पता था। कन्हैया तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि चलो भैया, एक और राक्षस की छुट्टी हुई। पर यहाँ पे तो सब घबरा गए, इतना सारा सामान गिर गया, अब क्या करें, हमारे कान्हा पे गिर जाता तो। मैया ने तुरंत उनको अपनी छाती से लगाया और उनकी नजर उतारी। पर कंस थोड़ी ना चुप बैठने वाला था, थोड़े ही दिन में फिर उसने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम था तृणाव्रत। अब तृणाव्रत एक ऐसा राक्षस था जो बवंडर के रूप में आया था। बवंडर यानी विंड साइक्लोन, जिसमें जोर से हवा चलती है और वो हवा इतनी डेंजरस होती है कि वो पूरे के पूरे आदमी को भी उड़ाकर ले जा सकती है। ऐसी ही तेज तूफानी आंधी जैसी हवा चलने लगी और तृणाव्रत बवंडर के रूप में गोकुल में आ गया और सीधा पहुंचा नंद बाबा के आंगन में, जहां हमारे छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से श्याम सुंदर खेल रहे थे। और तुरंत उस बवंडर ने, यानी कि तृणाव्रत ने,
कन्हैया को गोद में उठाया और वहां से 9 2 11 हो गया। अब सबकी आंखों में धूल चढ़ गई थी, इतनी तेज आंधी जो चल रही थी, किसी को पता ही नहीं चला कि कब तृणाव्रत आया और कब कान्हा को लेकर गायब हो गया। अब कान्हा को लेके तो चला गया तृणाव्रत, पर बताओ जो सुपर शक्तिशाली है, जो इतना पावरफुल है, जो इतना इंटेलिजेंट है, क्या कोई उसको पकड़ सकता है? और वो भी भगवान को नहीं। इसीलिए फिर कान्हा ने अपना मैजिक दिखाया और तृणाव्रत का गला पकड़ लिया। सोचो, इतना बड़ा तृणाव्रत और छोटे से कन्हैया की छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी अंगुलियां, और उन्हीं छोटे से हाथों से कन्हैया ने तृणाव्रत का गला दबाया। जैसे ही गला दबाया तृणाव्रत का, तो दम घुटने लगा, बचाओ 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 करके चिल्लाने लगा। पर कन्हैया थोड़ी ना मानने वाला था। कन्हैया ने तुरंत उसका गला इतनी तेज दबाया कि वो पहुंच गया सीधा ऊपर, यानी कि वो मर गया। और कान्हा धाम से आके धरती पर, यानी कि गोकुल में गिरा। अब सब घबरा गए, जाने क्या होगा हमारे लाला का, क्योंकि वो इतने ऊपर से गिरा, आवाज तो वहीं से आई। सब भागे, आगे देखे तो क्या, कन्हैया तो मस्त बैठकर मुस्कुरा रहे हैं और मिट्टी में खेल रहे हैं। सब ने चैन की सांस ली, कन्हैया को गोद में उठाया, उन्हें नीला दुला कर फिर से श्रृंगार धारण कराया और सबने कहा, हमारा कान्हा तो अनोखा है, इसकी रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।